नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज हम रांची के सबसे फेमस तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं या टूरिस्ट स्थल भी कह सकते हैं, जगन्नाथ मूर्ति मंदिर पे खड़े हैं। जी हाँ, मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को जगन्नाथ मंदिर को थोड़ा क्लोज से दिखाए कि ये रांची का जो है वो दिल है, रांची का सबसे धार्मिक स्थल है। आपको बता दें कि ये मंदिर को 17वीं शताब्दी में ठाकुर अनीशनाथ सहदेव ने बनाया था। बहुत ही महान राजा थे और असल में इसकी कहानी ये है कि वो एक बार पूरी घूमने गए थे, बाहर घूमने गए थे और वो बहुत लंबे समय तक बाहर रहकर तीर्थ यात्रा करते थे। लेकिन तीर्थ यात्रा उन्हें लगता था कि लोग बहुत बाहर जाते हैं, बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें लगा कि कुछ ऐसा स्थापना किया जाए महान भगवान का जिससे लोगों को दूर तीर्थ स्थल ना जाना पड़े, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और कई बार ऐसा होता था कि वो आम लोग घर छोड़कर जब बाहर जाते थे तीर्थ करने के लिए तो यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी को भी हड़प लिया जाता था, क्योंकि पहले 1 महीने 2 महीने 4 महीने क्योंकि कुछ साधन नहीं थे जाने के, कोई पैदल जाते थे, टांगे से जाते थे, ऐसे ऐसे चीज़ें होती थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों के सहूलियत के लिए कि धार्मिक में कहाँ जाए पूजा पाठ करने, ठाकुर अनीशनाथ सहदेव ने इस मंदिर की स्थापना की 1691 यानी 17वीं शताब्दी में की। और इसके बाद रांची का अब तक ये सबसे फेमस तीर्थ स्थल था जगन्नाथपुर। आपको बता दें अगर ये कहा जाए कि ये पूरी मंदिर का छोटा भाई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं पूरी मंदिर से पूरा मिलता है। जी हाँ, आप समझिए कि पूरी का एक छोटा जो रूप है वो जगन्नाथपुर मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से यहाँ पर मेला नहीं लगा है। जी हाँ, जगन्नाथपुर रथ यात्रा जो निकलने वाला है ये बहुत फेमस होता है, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान बहुत मेले लगते हैं, छोटे मोटे दुकानदार जो है उनको व्यवसाय का अवसर मिलता है, कमाने का अवसर मिलता है। लेकिन 2 साल से कोविड कारण से यहाँ पर कोई मेला नहीं लगा है, रथ यात्रा नहीं निकल पाया है, निकलता भी है तो बहुत सीमित मात्रा में, कुछ लोगों के साथ, जो निकलना ना निकलना बराबर हो जाता है। लेकिन इस बार फिर से आपको बता दें, छवि रंजन जो रांची के उपायुक्त है उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में ये फिर से डिसाइड किया है कि मेले जो है, दुकान मेले ये सब नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा रथ यात्रा थोड़े लोगों के साथ जरूर निकाला जाएगा, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों के, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये जनता पर क्या असर करेगा, जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ठेले मेले ये जो छोटे मोटे चीज़ लगते हैं इससे कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा घर चलता है, व्यवसाय चलता है, साल भर लोगों में उत्सुकता भी रहती है जगन्नाथ मेले को लेकर। तो इससे कहीं ना कहीं हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। तो यहाँ पे हम मौजूद है एक श्रद्धालु के साथ जो इस बार मेला नहीं लगने पर अपना विचार हमारे साथ साझा करेंगे। इस बार फिर से 2 साल से तो ऐसे ही सब कुछ ठप है, इस बार कुछ कम हुआ है क्योंकि सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मेला का जब बात आता है तो रोक दिया जाता है, क्या कहेंगे? मेला तो लगना चाहिए, इसमें बहुत सारे ये हैं, बहुत सारे लोग का रोजगार वगैरह जुड़ा रहता है और श्रद्धा से है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ का एक परंपरा है और यहाँ इसके लिए लोग बहुत दूर से आते हैं, तो आना मेला सरकार को लगाने देना चाहिए अपने नियमों के साथ, अपना नियम का पालन करवाते हुए कुछ। और तरह तरह का कहाँ आज के टाइम में चल रहा है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मेला, आपने कहा जैसे अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, सीधा बैन कर देना नहीं लगा, ये कहाँ तक सही? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, नहीं। निराशा होगी लोगों में? जी हाँ, काफी निराशा आएगी, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, चलिए, यहाँ पे हमको लगता है कुछ महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। माँ जी, इस बार मेला नहीं लग रहा है जगन्नाथ मंदिर का, तो कैसे, निराशा है थोड़ा? आती थी पहले मेले में आप? निराशा तो पूरे है, पूरा निराशा। हाँ, पूरा निराशा है कि हर साल मेला लगता था, मन खुशहाल था, और अभी मेला नहीं लगेगा इन साल तो बहुत मन उदास है। कहीं ना कहीं देखे तो पूरा एक मेला जो रहता है जगन्नाथ मंदिर का, पूरा एक अपने आप में एक एंटरटेनमेंट रहता है। आंटी, इस बार जगन्नाथ मेला नहीं लग रहा है, निराशा है? आप लोग तो आते होंगे रेगुलर। निराशा तो है, हर साल आते थे हम मेला देखने, इस 2-3 साल से नहीं लग रहा है, नहीं आ रहे हैं। तो आप जैसा जैसा हमने अभी आपको दिखाया कि जनता जो है वो खासा नाराज़ है कि मेला इस बार नहीं लग रहा है, जैसा हमने कहा कि आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। इसके साथ मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को यहाँ पर दिखाने, इतने सारे लोग, जी हाँ, ये सारे लोग हम आपको बता दें, ये दुकानदार है, झूले वाले हैं, जो हर साल इंतज़ार करते हैं कि कब जगन्नाथ मेला लगेगा और कब फिर से एक बार साल में कुछ मेला लगता है उसमें इन लोगों को मौका मिलता है। ये झूला ओनर है, आपका नाम क्या हुआ और क्या करते हैं आप? मेरा नाम हुआ बाबू खान। हाँ। हम लोग जमशेदपुर में रहने वाले हैं। अच्छा। और ये जो यहाँ मेला लगता है, हाँ, झूला वगैरह, यहाँ करीब 35 साल से हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा। और बाकी हमारे साथ सब झूला वाले साथी भी आए हुए हैं, तो हम लोग का इसी से जीविका चलता है सालों भर। अच्छा। और दूसरा हमारा कोई बिजनेस नहीं है किसी का। हाँ। हम लोग का इसी से झूले ही का धंधा से हम लोग का झूला चलता है। हाँ। और ये 2 साल से ऐसे ही हम लोग कोरोना के चलते हम लोग का बंद था, ये मेला ही बंद था, ये लेके 3रा साल है। तो इस बार हम लोग को आशा था कि मेला लगेगा और हम लोग भी लगाएंगे, चलो जितना भी है, इससे बहुत आदमी का जीविका चलता है।
कम से कम हम लोग जैसे यहाँ पर 20 झूले वाले हैं, तो एक एक झूले वाले के पास 20-30 आदमी, 40 आदमी, कम से कम 1000-1200 तो लेबर है सबके पास मिला के। प्लस क्या है, दुकानदार लोग आते हैं, 2-3 हज़ार दुकानदार आते हैं, ठेले वाले हैं वगैरह जितने भी हैं, सबका जीविका इससे चलता है। और इस बार जो हम लोग को सुनने में आया कि एक हफ्ता पहले कि मेला इस बार नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग आए हुए थे यहाँ पर कि चलो कमेटी से और बाकी प्रशासन से जिससे भी होगा बात करेंगे, कम से कम हम लोग इस बार दिया जाए। सब जगह झारखंड में मेला चालू है, ऐसा नहीं कि झारखंड में मेला बंद है। अभी जमशेदपुर आम बागान में डिज्नीलैंड लगा हुआ है, और आपको बहुत से जगह झारखंड में, रांची में भी लगा हुआ है। यहां से क्या दुश्मनी है फिर? वही चीज प्रशासन तो पूरे झारखंड के सीएम है ना? जी, तो हम लोग वही सीएम साहब से और डीसी साहब से एक गुहार लगाना चाहते हैं कि हम लोग कम से कम मेला का आदेश दिया जाए। हम लोग पूरा कोविड गाइडलाइन के माध्यम से ही करेंगे बस। अच्छा, तो आगे आप लोगों कोई रणनीति है? रणनीति ये कि सबको मिलजुल के एक बार हम लोग मुख्यमंत्री आवास जाए, सरकार से भेंट करें, डीसी साहब से मिले। इस गुने हम लोग अभी छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, हम रहने वाले हैं आपको मांडव विधानसभा सोच के निवासी, मेरा नाम ठीक है। यहाँ हम लोग उस समय से मेला कर रहे हैं जिस समय चिड़ियाघर और राम ढुलवा घोड़ा झूला लगता था। अच्छा, हमारा बाप दादा से ये मेला, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो कहते हैं ये मेला और जो ये है एक सारे कम्युनिटी को एक साथ लाता है, एक प्रेम का संदेश है। मेला में जात पात नहीं चलता मेरा। अभी देखिए झारखंड के अंदर गिरडी में चल रहा है, धनबाद में चल रहा है, जमशेदपुर के अंदर चल रहा है, जमशेदपुर में दो जगह चल रहा है, खूंटी में चल रहा है, गुमला में चल रहा है। अभी 3 जून का मेला यहाँ हुआ, सरना हुआ, ईद हुआ, जुलूस निकलता है, रामनवमी निकलता है, मगर हम लोग मेले वाले से क्या, हम लोग कारोबार, ये मेला नहीं है बल्कि एक सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए माइंड चीज। हम लोग के लिए क्या सबसे बड़ा परेशानी है कि हम लोग को जो आइटम है झूला वूला कोई बाजार में या शोरूम में नहीं लगेगा, ये जब भी लगेगा मेला में लगेगा। और ये हम लोग आए हैं डीसी साहब का लेटर देख के आए हैं, समझे ना, पेपर में आउट किया था, 2-3 दिन से हम लोग परेशान हैं। हम लोग सबको अभी रात में बुलाए हैं, एक साथ मिले हैं, हम लोग एक कुतुबुद्दीन बाबू हैं सीसे के, वो आने वाले हैं, हम लोग आपसे भेंट करना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि आगे चले। तो आपने सुना कि जी ये कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, हाँ हम लोग भी चाह रहे हैं सर, हम लोग कहाँ से आए? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए, बिहार छत्तीसगढ़ सब जगह से लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे, इधर पेट पे लात मार दिया सरकार? हाँ हाँ सर, पेट पे लात तो मराइए गया है। इनके चेहरे पर जी बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यही मेला से बिल्कुल बात है, रोजगार होता है, लोग आते हैं, मस्ती करते हैं, दिखा या मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक बहुत प्यार भरा एक सोसाइटी का निर्माण होता है ऐसे मेले में। बात सिर्फ रोजगार और पैसे की ही नहीं है, इसके साथ ही बिहार छत्तीसगढ़ और पूरे राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से, और साल में कुछ बार चुनिंदा मौका रहता है जब झूला लगता है, हमेशा मेला भी नहीं लगता है, ये नहीं कि हर महीना एक बार लग रहा है, साल में एक दुक्का बार लगता है, वो भी अगर अपॉर्चुनिटी इससे छीन लिया जाए तो फिर सोसाइटी को संभालना पूरे में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहूंगी यहाँ देखिए ये रथ का निर्माण हो रहा है, जी हाँ, बहुत उम्मीद के साथ इस बार नया रथ बन रहा था कि यह भगवान जगन्नाथ के लिए नया रथ निकलेगा, और आप देख सकते हैं धूप में, मैं चाहूंगी थोड़ा दिखाना कैमरामैन को धूप में किस तरीके से मेहनत के साथ काम कर रहे हैं ये लोग, धूप में दिन रात एक कर रहे हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा सा यहाँ पे आए इन लोगों से हम लोग बात करेंगे कि जितना उम्मीद के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, सरकार कहीं इनकी उम्मीद को पानी ना फेर दे। जरा रोकिएगा, इतने धूप में काम कर रहे भगवान के लिए रथ बना रहे, क्या कहेंगे, हौसला नहीं टूटता है, गर्मी नहीं लगता है? तो लगता है, क्या करेंगे, वो तो भगवान आपको आशीर्वाद है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है, सब चलता है। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा मेला नहीं लग रहा है, ये तो इस पर निराशा है थोड़ा। तो नहीं मालूम है, तो कमेटी लोग तो जानते हैं। अच्छा, हम लोग आए हैं काम करने के लिए, काम करके धूप में भी आप लोग पूरा मग्न के साथ। आपने देखा कि हम लोगों ने इनसे बात की, पूरे मग्न के साथ लगे हुए हैं काम करने के लिए। जरा देखिए काम लगे हुए, मैंने इनको रोकने के लिए थोड़ा कहा है क्योंकि आप लोगों को क्लियर आवाज सुनाई दे। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरा कवरेज आपको दिखाया, जनता का व्यू भी दिखाया, छत्तीसगढ़ बिहार से लोग आए हुए हैं, बहुत निराश है कि मेला नहीं लग रहा है, पेट पर लात मारी है ऐसा कह रहे हैं सरकार। इसके साथ ही आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है, जैसा हमने पहले भी कहा जब बात आस्था की होती है तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, यहाँ तो सीएम हेमंत सोरेन की बात है, झुकना तो पड़ेगा उनको। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे आज जीएन भारत के साथ। साथ ही अभी रांची में चाली डी रेड हो रहा है, पूजा सिंगल मामले सबका थोड़ी देर में आपको अपडेट जीएन भारत देते रहेगा, सबसे पहले एक्सक्लूसिव जीएन भारत में देखते रहे जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।